हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है एनसी टैटूज के अंदर। और अभी फिलहाल मैं जो है आपके लिए एक लेके आया हूँ, ये क्राउन टैटू। इसको जो है मैं ड्रॉ करूंगा। इसको मैंने पहले पेपर पे जो है इसका प्रिंट निकाल लिया है और इसको मैंने स्टेंसिल पेपर की मदद से इसका जो है ड्रॉ बना लिया है। तो गाइस, कई लोगों को जो है परेशानी आती है, दिक्कत आती है हैंड पे ड्रॉ करने में, तो उनके लिए सबसे बेस्ट वीडियो है ये टेम्पलेट टैटू के लिए। ये टैटू जो है आप बर्थडे पार्टी या फिर कोई सी भी पार्टी हो तो उसमें जो है आप एक दिन के लिए जो है बना के आप अपने हाथ पे जो है दिखा सकते हो। और इस टैटू को जो है मैं पहले जो है स्टेंसिल जो है मैंने बना लिया था, अब इसको जो है मैं अपने हाथ पे ट्रेस करूंगा। ट्रेस करने के बाद जो है ये इसके ऊपर जो है मैं ब्लैक पेन की मदद से जो है इस पर ड्रॉ करूंगा। आप भी ऐसा कर सकते हो, आप मार्कर से भी जो है इसको ड्रॉ कर सकते हो। बाकी मैं तो अभी ब्लैक पेन की मदद से ड्रॉ करूंगा जिससे ये टैटू की जो है डिटेलिंग अच्छी दिखे और काफ़ी ज़्यादा अच्छा अपन इसको ड्रॉ करेंगे। तो और इसमें जो है एक टैटू और बनता है जो 10 to 15 days चलता है, उसकी इंक जो है अलग आती है। वो फिलहाल अभी जो है मेरे पास है नहीं, मैं आपको जो है लाके उसकी एक पूरी वीडियो बना के मैं आपको एक अलग से एक वीडियो बना के डाल दूंगा जिससे जो है आपको मदद हो जाएगी। आप घर पर आसानी से जो है इन टैटूज को जो है बना सकते हो। 10 to 15 days आराम से चलते हैं वो। तो फिलहाल वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए आइएगा, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ये लॉक्स आती है, 2% लॉक्स आती है। इसको आप मेडिकल पे आसानी से जो है इजीली आप बाय कर सकते हो। लॉक्स 2% के नाम से जो ये जेल आती है, ये आसानी से जो है मेडिकल पे मिल जाएगी। इसके थ्रू अपन जो है इसको स्टेंसिल को ट्रेस करेंगे स्किन के ऊपर। मैं बताता हूँ कैसे करना है आपको। इस लॉक्स को आपको जो है थोड़ा सा लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना, हल्की सी आपको जो है लॉक्स लगानी है, ज़्यादा नहीं लगानी। ज़्यादा लगाओगे तो स्टेंसिल ख़राब होगा और वो फैल जाएगा। तो इसको आपको ऐसे लगा के और जहाँ पे जिस एरिया में आपको जो है इसको ड्रॉ करना है उधर आप इसको पूरी तरह से अप्लाई कर लीजिए। पूरी स्किन में अच्छे से ऐसे आप ड्रॉ कर लीजिए, इसको मर्ज कर लीजिए। ऐसे आपको जो है इसको लॉक्स को लगाना है। फिर तो उसके बाद जो आप स्टेंसिल को किस तरीके से जो है रखना चाहते हो, आपको स्टेंसिल को ऐसे टिल्ड में रखना है या फिर सीधा ही बनाना है, तो मैं इसे जो है थोड़ा टिल्ड में बनाऊंगा। आप किस तरीके से रखना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैं कुछ इसको इस तरीके से जो है रख के ऐसे आपको प्रेस करना है, अच्छे से प्रेस करना है इसको। प्रेस करने के बाद आपको इसको जो है प्रॉपर तरीके से जो है हटाना है। तो ये कुछ इस तरीके से जो है स्टेंसिल लग चुका है। तो इसको ड्रॉ, बस इसके ऊपर जो है आपको पेन से ड्रॉ करना है। तो वो मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो गाइज, आई होप कि आपको ये टैटू काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो स्टेंसिल की मदद से आप काफ़ी ज़्यादा इजीली वर्क कर सकते हो। और ये तो जो है छोटा टैटू था, आप बड़े टैटू भी आराम से बना सकते हो। कई बड़े टैटू के जो डिज़ाइन होते हैं वो एंड फ्री ड्रॉ नहीं होते हैं कईयों से, और त्रिशूल वगैरह जो होते हैं और शिव जी के जो डिज़ाइन होते हैं, तो आप स्टेंसिल मंगवा के आप उसका पूरा स्टेंसिल बना के एक प्रिंट निकाल के आपके हाथ के साइज़ का, और उसके जो है प्रिंट को आप ड्रॉ करके आप आराम से इजीली आपके हाथ पे प्रेस करके आराम से उसको जो है वन डे के लिए आप बना सकते हो। तो आप ये देख सकते हो ये स्टेंसिल कुछ इस तरीके से था और मैंने जो इसको यहाँ पे जो है इस तरीके से ड्रॉ किया है। आपको जो है स्टेंसिल लगाने के बाद जो है पेन से ड्रॉ करना, क्योंकि इसमें जो है बारीकियाँ हैं और आपको जो है थोड़ा मार्कर वगैरह लेना हो तो इसको थोड़ा स्टेंसिल को बड़ा बनाना जिससे आप आराम से मार्कर चला सको। इसलिए अभी मैंने जो है पेन चलाया था क्योंकि इसमें गैप ज़्यादा नहीं है और स्किन पर जो है आराम से ईजिली काम कर सकते हो आप पेन की मदद से। तो आपको अगर मार्कर यूज़ करना तो इससे थोड़ा बड़ा डिज़ाइन आपको लेना पड़ेगा और फिर वो आपको जो है ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें डिटेलिंग बहुत छोटी छोटी है तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। बाकी आई होप कि आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा।
और हाँ, जिनको पता नहीं था उनको मदद मिली होगी कि किस तरीके से जो है टैटू स्टेंसिल लगा के आप टैटू भी बना सकते हो आप घर पे इजीली। और स्टेंसिल पेपर जो है कहाँ से मिलेंगे उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मगर अगर लॉक्स 2% नहीं ले सकते हो तो कुछ वो डिटॉल वगैरह या फिर कोई वैक्स वगैरह की जेल आती है, जो हेयर वैक्स होती है उसकी जो जेल आती है वो लगा के भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, उससे भी ईजिली अप्लाई हो जाएगा ये। तो फिलहाल गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है एक अच्छे अच्छे टैटू जो है मैं बना के बताऊंगा। और आई होप कि आपको जो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल होगा और आपको काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलेगा इस चीज़ से। और जिनको नहीं पता था उनको तो अब मालूम पड़ ही जाएगा कि स्टेंसिल क्या होता है और ये कैसे किस तरीके से आप एक दिन के लिए आप टैटू बना सकते हो। बर्थडे पार्टी वगैरह या कोई सी पार्टी में आप एक दिन के लिए ऐसे टैटू बना के ले जा सकते हो। आप ऐसे हाथ फेरोगे तो ये ऐसे मिटेगा नहीं, इस पर कितना भी हाथ फेर लो क्योंकि ये जो है अब पेन से ड्रॉ हो चुका है तो अब ये मिटेगा नहीं। तो आप इस पर जो है क्रीम मत लगाना और कोई ऑयल मत लगाना नहीं तो फैल जाएगा। बाकी आप ऐसे हाथ फेरोगे तो ये मिटेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिटेगा। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले और लाइक ज़रूर करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो ऐसे ही अपडेट्स मैं आपको देता रहूँगा टैटूज़ के लिए, और भी जो है टेम्परेरी टैटूज़ जो है बनते हैं और परमानेंट टैटूज़ जो है मैं आने वाले जो है वीडियोज़ में डालूंगा।